वेलकम टू ब्लॉग। तो कैसन बाटी रहुआ लोगन, तो उम्मीद करता हूँ ठीक हुई सब। और अभी जस्ट हम अभी उठ के जा रहे हैं अपने सही नदी के ऊपर। नदी के ऊपर जाते हैं सुबह सुबह निपटान कर सब, मतलब लेके जाते हैं मुझे। और आपको मैं बता दूं कि आज छठ पूजा है, तो सुबह सुबह से ही 3 बजे से ही सब नदी पर जा चुके हैं। तो अभी हम भी चल रहे हैं उधर साइड ही, पहले वॉशरूम फिर नदी की तरफ जाएंगे। फ्रेश होने के बाद हम नदी की तरफ जाएंगे और नदी में बहुत ही मजा आने वाला है आज, क्योंकि सुबह से ऑलरेडी बहुत सारे लोग वहाँ पे गए हुए हैं। देख सकते आप धुआं भी निकल रहा है, बहुत ठंडी लग रही है लोगों को, फिर भी लोग सुबह 4 बजे से नदी के पास गए हुए और पानी के अंदर है। चलिए देखते हैं भी कैसा सीन है वहाँ। सो गाइस, सूर्योदय हो चुका है, चलो फिर भी हम जा ही रहे फटाफट। यार बहुत लेट हो गया मुझे लगता है। एक्चुअली मैं आज क्या ना, मैं थोड़ा सोकर ही लेट उठा, और जब तक मैं निकला तो देखा तो मैं अभी तो सूर्योदय बाहर आ गए हैं। चलिए देखते हैं फिर भी क्या हो रहा है वहाँ पे। मुझे लगता है सब रिटर्न आ रहे होंगे, मैं वापस जाऊँगा तो अगल बंदी हो जाएगी यार। तो गाइस फाइनली अभी हम घाट पे आ चुके हैं जहाँ पर छठी मैया की हो रही है पूजा। तो गाइस हमारा भाई भी आ चुका है पानी के अंदर, आप देख पाएंगे। जय सूरज जी हमारा जी, सूर्य नारायण की सुबह सुबह पूजा वाली सब अर्घ देने के लिए आए हुए हैं। ये कितनी छोटी है, ये छोटी कितनी है, ये भी नहा रही है अंदर। ओह यार यार, ये कितनी औसम है यार। तो गाइस सामने की साइड भी बहुत ही जोरदार और धूमधाम से मनाया जा रहे हैं। देखिए दादी माँ भी अंदर आ गई और ये भी स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तैरना सबको आता है यहाँ पे, बच्चों बच्चों को। तो देखो बंदा गुलाटी मार रहा है अंदर, क्या बता ये। तो गाइस इन्होंने देखे फूल को कितने प्रकार दिए पे रखा हुआ है, दिया कैसे जल रहा है, और वहाँ से लोग निकलेंगे अभी डाल। ये भाग दिया माँ छठी मैया को समर्पित है दिया। हम सूर्य देव की प्रथम किरण, हम अटल हिमालय का हिमतन, सागर की पहली बूंद है, हम नूतन है और पुरातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है। देख लेंगे कितना गहर है। तो गाइस मैं अभी नदी क्रॉस कर रहा हूँ, आप देख पाएंगे वो भी, मैं उधर साइड था, अब मैं इधर साइड जा रहा हूँ। चलिए वहाँ का भी थोड़ा शूटिंग करके आते हैं। इतना पानी यहाँ पे तो देख पाएंगे आप, मुझे लगा बहुत ज़्यादा, बहुत कम पानी होगा, लेकिन तो बहुत ज़्यादा पानी, इतना पानी के अंदर ही मैं हूँ। ये ऑलमोस्ट ब्रिज से भी मैं ज़्यादा आगे आ चुका हूँ, तो वहाँ पर जाके हैं। बाकी ज़्यादा पानी है नहीं इसके अंदर अभी, सही नदी शांत है, क्योंकि अभी छठ पूजा है तो पानी इसमें कम डालते हैं अभी इस टाइम को। बट अभी थोड़े टाइम में देखना पानी वापस से बढ़ जाएगा, और मैं धीमे धीमे करके ऊपर आ रहा हूँ। गांव के लोग यहाँ पे मस्ती मजाक कर रहे हैं, और मैं ऑलमोस्ट पूरी नदी पार करके आ चुका हूँ। देखिए अभी इन लोग के पास भी आ गया, क्योंकि सामने की साइड है, मैं अभी उधर साइड था, अभी उधर से इधर आया पूरा क्रॉस करके। और यहाँ पर दिया जला के अंदर छोड़ा जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो मैं आपको एक ही चीज़ दिखाता हूँ उसका भी, यहाँ का नेचर बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ा आ रहा है। सुबह सुबह पानी के अंदर देखिए कैसे खेल रहा है बंदा, मार रहा था मुझे अभी, तो मैं अभी जस्ट रुका उसी के कारण। तो यहाँ पर गाइस जो एयर है, जो मौसम है ना, वो बहुत ही अच्छा है। और अभी हम यहाँ पर ही, और देखिए मैं आपको बड़े देर जो दिखाने वाला हूँ। तो गाइस सूर्योदय हो चुका है, आप देख पाएंगे ऊपर सूर्य और नीचे नदी के अंदर उसकी सारी किरणें, बहुत ही सुनहरा मौसम और बहुत ही आनंदित मौसम है इस समय। ओम सूर्याय नमः, सूर्योदय भगवान की जय हो, जय छठी मैया।
तो गाइस फिर से मैं अभी एक बार नदी के बीचों बीच आया हूँ और बीच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी मैं वैसे नहाने वाला भी थोड़ा टाइम है, बट उसका आइडिया नहीं कब तक मैं नहाऊंगा। बट मैं अभी आपको बता दूँ कि बहुत ही सुहाना मौसम है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। छठी मैया के पौर पर सब ऐसे नहीं मना लेते भाई, रियल में बहुत ही इसमें स्ट्रगल होता है, बहुत ही कष्ट होता है और छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। जय छठी मैया की। चलिए अब थोड़ा बहुत हमने इन्जॉय करते हैं पहले तो। छोटी छठी मैया हमने से बरत दो हार, हमने से बरत दो हार, तहरे भरोसा हमने के छुटी नहीं छठ के त्योहार, छुटी नहीं छठ के गन्ने को निकाला जाएगा, फिर नहीं लगेगा क्योंकि आज लास्ट डे है। तो गाइस पूरी पब्लिक आ चुकी है और जस्ट अब हम निकलने वाले हैं एंड ऑफ द गेम। तो गाइस यहाँ पर हो रही थी पूजा, ये छठी मैया का दरबार, यहाँ पर ये बना के लोग पूजा कर रहे थे अपना अपना सब अलग अलग।